नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं के विषय विशिष्ट हिंदी का सॉल्यूशन, जिसमें हम आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सारे देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पहला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए, 5 नंबर के हैं। यहाँ पर आपका पहला एमसीक्यू है सूरदास जी के पदों की भाषा है। तो सूरदास जी के जो पदों की भाषा है वो है ब्रजभाषा, तो ब आपका सही हो जाएगा। लोक संस्कृति का जन्म हुआ तो वो हुआ गांव में। निंदा रस के लेखक है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हरिशंकर परसाई। श्रृंगार रस का स्थाई भाव आप सभी जानते होंगे रति होता है। दो पदों के मेल को कहते हैं, दो पदों के मेल को समास कहते हैं और दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति पर आ जाइए। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी हैं, तो इनका नाम आ जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, पथ की पहचान कविता के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम, तो वह रहेगा आपका सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं 8। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। सत्य सत्य पर आ जाइए, बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे, सत्य है। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे, यह भी सत्य है। निंदक समाज के सम्मान का पात्र होता है असत्य, जिसे जीता ना जा सके उसे विजयी कहते हैं, यह भी असत्य है। जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, तो यह भी आपका असत्य है। तो 2 सत्य बाकी 3 असत्य है। सही जोड़ी पर आ जाते हैं, मातृभूमि का मान, तो इसका आपका सही मेल हो जाएगा हरे कृष्ण प्रेमी। बेटियां पावन दुआएं अजहर हाशमी, चिर सजग आंखें उनिंदी महादेव वर्मा के द्वारा लिखी गई है। नाटक में अनेक अंक होते हैं और महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। अब यहाँ पर आपको इनको एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है, कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाणी, मधुर वाणी या फिर वाणी के कारण पसंद किया जाता है। छंद के प्रकार यहाँ पर पूछे गए हैं कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं छंद के, मात्रिक छंद और एक आपका हो गया वाणिक छंद। बस ये दोनों ही प्रकार होते हैं, इनके अंदर विभिन्न प्रकार के भेद पड़ते हैं। तो मात्रिक और वाणिक 2 प्रकार के छंद होते हैं। भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था, तो आप लिख लीजिए मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुला, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुला। जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए, तो संधि है आपकी व्यंजन संधि और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जगत धन, यह हलंत भी है नाथ, जगत धन नाथ और व्यंजन संधि। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो कामायनी और रामायण आप लिख सकते हैं, कामायनी और रामायण। अभी क्वेश्चन है कुब्जा कौन थी, इनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देख लीजिए और इनको आप सोल्व कर लिए अपने हिसाब से, अपने प्रश्न में एक मैच ढूंढ कर, ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रहे, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अलग आपकी 10वीं क्लास की वीडियो में। और यदि आप इंग्लिश का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, मैंने उसका पूरा सॉल्यूशन किया है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और काम की वीडियो मिलते रहें।